दोस्तों, हमें स्कूल्स में बहुत सी ऐसी चीजें नहीं सिखाई जाती जो हमारी रियल लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनमें से सबसे ऊपर है फाइनेंशियल नॉलेज। और दोस्तों, यही रीजन है कि हमें आगे चलकर फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी फंडामेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बना है आई एम इन वर्ल्ड। दोस्तों, ये स्टार्टअप बच्चों को उनके अर्ली एज में उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आई एम इन वर्ल्ड एडटेक स्टार्टअप मुंबई में 2020 में शुरू हुआ था। इस स्टार्टअप के फाउंडर है अंकित शाह। दोस्तों, स्टार्टअप के नाम आई एम इन वर्ल्ड के पीछे की फिलोसॉफी की बात करें, आई एम इन्वेस्टिंग को डिनोट करता है। और ये प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल लिटरेसी के 5 मेन टर्म्स पर फोकस करता है, जो है स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट, अर्न एंड लर्न। फ्रेंड्स, अंकित शाह का कहना है कि इंडिया में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से मनी के बारे में बात नहीं करता, वो कॉलेज और जॉब के लिए उन पर छोड़ देते हैं। और इसी फंडामेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने ये स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को उनकी अर्ली एज में उन्हें फाइनेंस के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जिससे वो पैसे से लेकर कोई भी गलती ना करे। साथ ही बच्चों में इन्वेस्टिंग और सेविंग की हैबिट बन जाएगी। ये स्टार्टअप बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसमें उन्होंने बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांटा है। दोस्तों, फर्स्ट 3 ग्रुप में बच्चों को फाइनेंस के बेसिक सिखाए जाते हैं, जिसमें है द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी हैंडलिंग स्किल्स, बेसिक फाइनेंस टर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल आइडियाज, लर्निंग टू सेव, इन्वेस्ट, बाय एंड स्पेंड प्रोविडेंटली। और लास्ट ग्रुप में बच्चों को फाइनेंस टर्म डीप में सिखाया जाता है, जिसमें इंक्लूड है एस्टिमेटिंग फ्यूचर इनकम, मॉनिटरिंग बैंक बैलेंस, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, स्टूडेंट लोन्स, पेड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेटिंग प्रायोरिटीज इन स्पेंड। मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट एंड गोल सेम है, जो है सॉलिड फाउंडेशन इन फाइनेंसेस, लर्निंग टू बी स्मार्ट अबाउट मनी और फ्यूचर में अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल होना। हर बच्चा फाइनेंस के बारे में सीख पाए, इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम को वेब सीरीज फॉर्मेट में डिजाइन किया, जहां हर हफ्ते वो एक नया एपिसोड डालते हैं। अंकित शाह की इस स्टार्टअप के बारे में 3 मेन इंस्पिरेशन रहे। वो बताते हैं, पहली इंस्पिरेशन है जब वो छोटे थे तब उनके फादर उन्हें इनएग्जॉस्टिबल पॉकेट मनी यानी कि अनलिमिटेड पॉकेट मनी ऑफर करते थे, पर उनके फादर की इसमें एक कंडीशन थी। वो थी कि वो जो भी चीज़ खरीदे उन्हें उन सब का रिकॉर्ड और बिल्स अपने साथ केयरफुली रखने होते थे। अगर वो कोई ऐसी जगह से शॉपिंग कर रहे हो जहाँ पर कोई बिल इश्यू नहीं होता हो, तो उनके फादर उस पर्टिकुलर शॉप से कुछ भी खरीदने से मना कर देते थे। सेकेंड रीजन, जो वो 19 साल के थे तब उन्होंने अपने फादर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे मांगे थे, जिसमें से उन्होंने 90% पैसा डुबो दिया था। इस वाक्य से उन्होंने ये सीखा, वन नीड्स टू एजुकेट वन सेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड रीजन वाज हिज डॉटर। अब उनकी बेटी 8 साल की, बट जब वो 5 साल की थी तब उसने एक टॉय के लिए जिद कर ली थी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। उसके लिए उसने अपना पिगी बैंक तोड़ दिया और फैमिली मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन के लिए बोला, लेकिन अभी उसके पास 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे, जब तक कि अंकित ने नहीं दी। इस प्रोसेस से उसे न केवल मनी का बल्कि उसे टॉय की वैल्यू का भी पता चल गया, जिससे वो अभी भी खेलती है। तो दोस्तों, ये थी अंकित की 3 मेन इंस्पिरेशन इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये स्टार्टअप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें हमारे साथ ऐसी स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन और स्टार्टअप न्यूज रेगुलर जानने के लिए। आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।